अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बासानी मिल सके। लाइका चैनल पर आप लोगों को वेलकम करते हैं। आज की इस खबर में हम बात करने वाले हैं, आखिर कब दुआ वापस जिंदा सलामत मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को न्यू अपडेट्स मिलती रहें। लापता लड़की के वालिद ने पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अहले खाना को उम्मीद है कि इनकी प्यारी बच्ची जल्द अज जल्द किसी नुकसान के बगैर वापस मिल जाएगी और वो आला हकाम से इनकी बेटी की तलाश मदद करने की अपील कर रहे हैं। पुलिस चीफ पहले ही अहले खाना से मुलाकात कर चुके हैं और पुलिस ने पहले ही तफ्तीशी टीम का आगाज कर दिया था और इस केस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उम्मीद है कि लड़की महफूज और जल्द मिल जाएगी। पुलिस अभी तक इस बात की तफ्तीश कर रही है कि नौजवान को किसने अगवा किया था और इसके अगवा की वजह गैर वाज़ेह है। खानदान का कहना है कि इन्हें दो बार तावान के लिए कॉल मौसूल हुई। तावान के बारे में फ़ोन आने के बाद खानदान के अफराद परेशान हैं और उम्मीद करते हैं कि इनका प्यारा बाहिफाजत वापस आ जाए। चाहे वो अगवाकार है, चाहे वो कोई क्रिमिनल है, वो लिखता है कि फलाने कोर्ट में आ जाओ इतने बजे तक और पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना, नहीं तो हम तुम्हारी बेटी इससे अच्छे रेट पे आगे बेच देंगे। यही मैसेज है जो हमने भेजा। फिर वो दोबारा उनसे रब्ते में आती की वालदा ने तो कल स्टेटमेंट दिया, मुझे अपनी बच्ची जिंदा चाहिए। मैंने बोला ऊपर बैठो, कहती नहीं, जिसके मैयत हो जाए वो ऊपर नहीं बैठता। भाई आप क्यों, तो अभी कोई खबर ही नहीं आई है। अभी तो खुदा पे भरोसा रखे, इदारों पे भरोसा रखे। मैं तो फिर यही आपके चैनल की तवज्जो से अपील करूंगा, आर्मी चीफ एक्शन ले, डीजी रेंजर्स एक्शन ले, आईजी सिंध एक्शन ले, वजीर आला एक्शन ले, वजीर आजम पाकिस्तान एक्शन ले, कि भाई ये इतना छोटा मोटा वाकया नहीं है कि आपने ये माइक उठाया थैले में डाला ले गए। जवान बच्ची है 14 साल की। हम जमीन का आ गई, आसमान का आ गई, मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे मरना नहीं चाहिए ज़ैनब की तरह। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे मेरी बच्ची जिंदा चाहिए। इतने दिन हो गए, अगर ये शबाजी की बेटी गई होती तो क्या चंद घंटों में आती ना, तो हमारी मेरी बच्ची जीने से घर में नहीं है। वो कहाँ होगी, इसको कैसे रखूँगा, मुझे बताएं। एक और गलत काम हुआ है, इनकी बेटी हो गई अगवा, चौथा दिन है, रात में मैसेज चलना शुरू होते हैं कि दुआ वो जो बच्ची ड्रग इस्तेमाल करती थी वो मिल गई है और उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करा दिया। अब मैं कल सुबह वहां से सहरी खत्म करके मैं भागा इनके घर, मैंने को फोन किया, 10 फोन किए कि भाई ये मैसेज चल रहा है आपकी 14 साल की बेटी का, कि वो तो नशा करती थी और उसको आप लोगों ने अभी मिल गई और दाखिल करा दिया रिहैबिलिटेशन सेंटर में, इन्होंने फोन ही नहीं उठाया। फिर मैं इनके घर पहुंचा हूँ सुबह 6 बजे, मैंने जाके देखा इनके घर के बाहर सन्नाटा, मैंने दरवाजा नॉक नहीं किया। फिर मैंने पुलिस से रब्ता किया, उन्होंने कहा भाई वो कोई और लड़की है, किसी और केस में है, उसकी एज कुछ और है। लेकिन पागलों की तरह ढूंढते रहे, फिर रात हो गई और वो रात वो 5 मिनट के लिए अकेली नहीं जाती थी और हम सब एक ही रूम में सोते थे। मैंने अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं किया। अब मुझे बताएं बेटी, 3 दिन हो चुके हैं गांव में, उसको खाने को देते हैं कि नहीं देते, आप लोगों ने ऐसे चलाया, ये मुझे आग की तरह लग रहा है। उसको पता नहीं कैसे रखा होगा, कहाँ रखा होगा, खाने को भी देते होंगे कि नहीं देते होंगे। वो तो सालन तक नहीं खाती थी, सिर्फ राइस और पराठा खाती थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।